के सूत्र निकिलम से करना है आपको गुणा, सूत्र निकिलम से गुणा करना है। देखो अगर जैसे सूत्र निकिलम का नाम है, चाहे तो गुणा करना हो चाहे भाग करना हो कुछ भी करना हो, सबसे पहले लेते हैं आधार। क्या लेते हैं? आधार। देखो मैं सब समझा देता हूँ, आधार लिया जाता है। तो आधार हमेशा आपके वैदिक गणित में या तो लेते हैं एक, क्या लेते हैं? दस। क्या लेते हैं? सौ। क्या लेते हैं? एक हजार। क्या दस हजार या एक लाख, मतलब दस के बेस में लिया जाता है आधार। कभी कभी हमें उपाधार की भी जरूरत पड़ जाती है, उपाधार भी लिया जाता है। उपाधार लेने के बाद ज्ञात करते हैं विचलन। क्या ज्ञात करते हैं? देखो सबसे पहले ही नंबर एक क्वेश्चन, देखो हम लेंगे आधार, सबसे पहले 102 को 107 से करना है गुणा। सबसे पहले किसकी जरूरत है? आधार की। अब देखो ये आधार में किसके पास आते हैं? सौ के। किसके पास आते हैं? सौ के। सबसे पहले आधार लेंगे, बताओ आधार कितना? आधार आया आपके पास सौ। एक बार सीखने की जरूरत है, जैसे आप टेक्निक सीखे फिर ऑटोमेटिक आपको आधार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू ही कर दोगे सवाल को। आधार लिया हमने कितना? आधार लेते हम ज्ञात करेंगे विचलन। क्या ज्ञात करोगे? विचलन का सूत्र होता है आपके संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। अब देखो संख्या कितनी? 102 माइनस आधार कितना? 100। पीछे कितना बचेगा? अब यहाँ संख्या कितनी? 107 माइनस 100, विचलन कितना आया? 7। एक बार सीधे जुड़ते बाद में आप ऐसे ही कर दोगे। अब ध्यान दो, अब दोनों गुणा करना है। देखो अब इधर लिखेंगे 102 को लिखेंगे यहाँ पर और 107 लिखेंगे यहाँ पर। 102 के सामने लिखेंगे इसका विचलन 2, फिर 107 के सामने लिखेंगे इसका विचलन 7 और ऐसी लाइन डाल लेंगे। यहाँ पर इसके दो भाग करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, संख्या का विचलन, और ऑब्लिक पीछे आएगा विचलनों का, विचलनों का गुणा। ध्यान दो, आगे तो लिखेंगे, एक तो लेंगे संख्या और दूसरी का लेंगे। देखो अगर संख्या ये लेंगे तो विचलन लेंगे दूसरी का, अगर संख्या ये लेंगे तो विचलन लेंगे। 102 सात 109 जाएगा, यहाँ भी 107 और 2 109, ऐसे भी लो, मतलब तिरछा लेना है क्रॉस। अब देखो यहाँ संख्या कितनी? 102 प्लस विचलन कितना? 7। ऑब्लिक पीछे आएगा विचलनों का गुणा, बताओ 2 × 7। अब देखो दोनों जोड़ो कितना हो गया, इधर नीचे लिखना है आपको कितना हो गया? 109 ऑब्लिक 7, 7 दुनी 14। देखो आधार में कितने जीरो? 2। तो आपके पीछे वाले खाने में भी कितने अंकों ने चाहिए? 2। तो ये तो दोनों को चिपका दो, पता कितना? 109 और कितना? 14। आंसर आ गया। अब आपको एक बार टेक्निक समझ में आ गए तो आप आसानी से जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को। देखो दसवां, यहाँ भी सबसे पहले क्या लेंगे हम? आधार। बताओ आधार कितना आएगा? दोनों किसके पास है? सौ के पास है। किसके पास है? सौ के पास। आधार लेंगे हम यहाँ पे भी 100। अब आधार लिया तो किसकी जरूरत पड़ेगी? विचलन की। बताओ 100, ये देखो 94 से कितना घटाएंगे? 100। माइनस का कितना बच जाएगा? और यहाँ माइनस का, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो, यहाँ लिखो कितना? इसके सामने इसका विचलन, बताओ माइनस का 6। यहाँ लिखो बगाड़ो, इसके सामने माइनस का, ये तो है इसका विचलन और ये है इसका विचलन। अब देखो यहाँ लगाओ ऐसा चिन्ह, आगे तो लिखेंगे, एक तो लिखेंगे संख्या, दूसरी का विचलन, संख्या प्लस दूसरी का विचलन, संख्या है 94 और विचलन दूसरी का लेंगे कितना? माइनस का 8। अगर माइनस है विचलन में तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। ऑब्लिक अब देखो यहाँ विचलनों का गुणा, माइनस 6 × माइनस 8 घटाओ कितना बचेगा? 86। कितना बचेगा? 8 × 48। माइनस माइनस प्लस,
देखो आधार कितना था? 100। आधार में कितनी जीरो? 2। पीछे में कितने निकालने चाहिए? 2। आगे डायरेक्ट लिखो 86 48। एक बार अगर आपको टेक्निक समझ में आ गई तो आप आसानी से बना सकते हो। ये वाला देखो कितना था यहाँ पर? और हाँ क्या हुआ यहाँ? सही है ना? ध्यान दो, यहाँ कितना था? 72 क्वेश्चन था। 72 × 73। अब देखो 72 और 73, यहाँ भी सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? आधार। हम आधार तब लेते हैं, आधार देखो ये किसके पास आता है? 100। वैसे 100 के पास आता है, लेकिन आधार 100 तभी लेते हैं जब संख्या 90 से बड़ी हो। 90 से छोटी है? आधार लेना पड़ेगा कितना? आधार लेंगे हम यहाँ से 10। लेकिन ये 10 से बहुत ज्यादा दूरी पर है, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए हम लेंगे उपाधार। आप उपाधार ऐसी संख्या लो कि इसको गुणा करने पर इसके पास पहुंच जाए। आधार कितनी? 7। 7 से गुणा करेंगे 70 हो गया। ओके ना? 70। अब देखो अब सिंपल है, 72 में 70 घटाओ कितने? 2। 73 में से 70 घटाओ कितने? 3। मतलब इसका विचलन कितना आएगा? 2। इसका विचलन कितना आएगा? 3। अब सूत्र हो जाएगा विचलन विचलन बराबर संख्या माइनस उपाधार। आधार रहता है तो आधार, उपाधार रहता है तो उपाधार। यहाँ लिखो 72, इसका विचलन कितना बनेगा? 2। 70 में से 72 में 70 घटाओगे बचेगा 2। याद रखो 73, इसका विचलन कितना? 73 को 70 में से घटाओगे तो 3। अब ध्यान दो, अब वही संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। संख्या लेंगे हम 72 और दूसरी संख्या का विचलन 3। ऑब्लिक विचलनों का गुणा, मतलब 2 × 3। यहाँ पे एक काम और करेंगे, हमने उपाधार लिया इसलिए इस आगे वाले को उपाधार अंक से करेंगे गुणा। उपाधार अंक से क्या करना है? अगर आप उपाधार लेते हो तो उपाधार अंक कितना लिया था? 7। यहाँ 7 से गुणा करना है, बस ये काम करना है उपाधार में। बताओ 72 और 3 कितना हो गया? 75। 75 किससे गुणा करेंगे? 7 से, तो ये आएगा 7 × 3 = 33। बचे 3, 7 × 7 = 49, 49 और 3 हो गया आपके 52। तो ये आएगा 525। पहले 72 को जोड़ा 3 में, हो गया 75। 75 किससे गुणा किया? तो आया 525। ऑब्लिक देखो 3 × 2 = 6। आधार कितने? कितना? 0। पीछे भी कितना अंक आना चाहिए? 1 है। दोनों को चिपका दो, 52 और ये आया 56। देख लेना किताब में, ध्यान दो ये वाला लास्ट। 203 को किससे गुणा करना है? 204 से। आधार लेंगे सबसे पहले कितना? 100। लेकिन 100 से दूरी पर है उपाधार की जरूरत। अब देखो सबसे पहले तो लेंगे हम आधार, बताओ आधार कितना? 100। लेकिन ये 100 से बहुत दूरी पर है, हमें जरूरत पड़ेगी उपाधार। अब इसके पास पहुंचने के लिए किससे गुणा करें? 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। अब क्या निकालेंगे? विचलन निकालने की जरूरत नहीं है। बताओ 203 को 200 में घटाओ कितना? 204 को 200 में घटाओगे? इसका विचलन आएगा 3 और इसका आएगा 4। यहाँ लिखो 203 और इसका विचलन 3। यहाँ लिखो 204 इसका विचलन 4। आगे आएगी संख्या प्लस दूसरी संख्या का, अगर संख्या ये लेंगे तो विचलन ये, संख्या ये लेंगे तो विचलन ये, मतलब क्रॉस लेना है। बताओ यहाँ 203 प्लस कितना? 4। ऑब्लिक विचलनों का गुणा 3 × 4। अब देखो यहाँ हमने क्या लिया था? तो इसको किससे गुणा करेंगे? उपाधार से, उपाधार अंक से, ठीक है ना? अब देखो दोनों को जोड़ो कितना है? 207। 207 को किससे गुणा करेंगे? तो 207 को 2 से गुणा करेंगे, 4 से कितना हो गया? 414। 207 का डबल कर दो 414। देखो 4 की कितना? आधार में कितनी? 0। पीछे में कितना है? 2। दोनों को चिपका दो, ये चिपका दो आगे सामने। तो ऐसे आप जल्दी गुणा कर सकते हो, स्पीड से गुणा कर सकते हो।